हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल स्कूल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम का रिव्यू करेंगे जो कि 16 अक्टूबर 2021 का हुआ है। इसमें देखेंगे राइटिंग टॉपिक क्या था, टास्क वन और टास्क टू दोनों देखेंगे क्या रहे हैं, रीडिंग और लिसनिंग का भी रिव्यू करेंगे कैसी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हाँ जी गाइस, देखिए मॉर्निंग स्लॉट में जो टॉपिक था, सम पीपल बिलीव दैट द बेस्ट वे टू इंक्रीज रोड सेफ्टी इज़ टू इंक्रीज द मिनिमम लीगल एज फॉर ड्राइविंग और ड्राइविंग कार और मोटर बाइक। कुछ लोग ये मानते हैं कि सबसे अच्छा सबसे बेस्ट वे है रोड सेफ्टी को इंक्रीज़ करने का, कि जो हमारी ड्राइविंग की एज है, लीगल एज है, उसको मिनिमम से बढ़ा दिया जाए, उसको मतलब कि इंक्रीज़ किया जाए मिनिमम एज को। तो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपने बताना था गाइस। इसमें आपने वन साइड ही जाना था। अगर आप लिखना चाहते हैं कि जैसे एग्री हैं तो सारे ही उसके पॉइंट देने थे, अगर आप लिखना चाहते हैं कि डिसएग्री हैं तो सारे पॉइंट आपने डिसएग्री के देने थे। क्यों गाइस, जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आए टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, तो आप वन साइड जाने की कोशिश करें। आप पार्शली एग्री हो सकते हो, लेकिन वो समटाइम्स एग्जामिनर को कंफ्यूज़ कर देता है और उसको आपका जो साइड है वो पता ही नहीं चलती, तो इसीलिए आप एक साइड जाएं ऐसे ऐसे में। तो ये तो मॉर्निंग स्लॉट का टॉपिक था गाइस, आप इसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जो लोग आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको लिख कर ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसका सैम्पल आंसर आपको नहीं देने वाला, मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ कि टॉपिक कौन कौन से था। और एक बात और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस जल्दी इस चैनल पर एक नया कोर्स लॉन्च होगा जिसमें आपको राइटिंग बिगिनर से आपको राइटिंग सिखाई जाएगी कि राइटिंग को कैसे लिखा जाता है। टास्क वन, टास्क टू, जितने भी टाइप के होते हैं सभी आपको विद हाई लेवल वोकैब एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाई लेवल सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ सिखाई जाएगी। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर करने की सोच रहा है या फिर कर रहा है, तो उसको इस चैनल के बारे में बताएं। और अगर आप भी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो था टास्क टू मॉर्निंग स्लॉट था। अब बात करते हैं टास्क टू इवनिंग स्लॉट की। इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व ग्रोइंग ट्रैफिक। कहते प्राइस को बढ़ा देना, पेट्रोल के प्राइस को बढ़ा देना इज़ द बेस्ट वे, एक अच्छा वे है ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने और पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, क्या आप इसे एग्री करते हो या फिर नहीं करते। व्हाट अदर मेजर डू यू थिंक माइट बी इफेक्टिव, या फिर इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी अदर मेजर्स है जो हम ले सकते हैं ताकि जो हमारी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो कम हो जाए। तो देखिए गाइस, इसमें आपने ये नोटिस करने वाली बात है कि आप सिर्फ एग्री और डिसएग्री नहीं हो सकते, आपको साथ ही पूछा गया है कि अगर इसके अलावा कुछ और है तो आप हमें बताएं। तो आपने एग्री या डिसएग्री का इसके आप तीन पैसेज भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप दो ही बनाएं, लेकिन तीन भी बना सकते हैं। पहले दो आप एग्री या डिसएग्री के बना दीजिए, और जो लास्ट वाला होगा उसमें आप बता दीजिए कि और कौन कौन से वे हैं जिससे पोल्यूशन और ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो यही था गाइस, जैसे कि स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जल्द ही कोर्स लॉन्च करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी स्टेटमेंट टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यू, एंड इसमें थीसिस कैसी लिखी जाए ताकि एग्जामिनर को आपकी इंट्रो पढ़कर ही क्लियर हो जाए कि आप किस साइड हो, ताकि उसका दिमाग ब्रेन वॉश ना हो, उसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन तो गाइस इसका ऐसे होता है, अगर आपका एग्जामिनर आपके टास्क को ईजिली पढ़ सकता है और अंडरस्टैंड कर लेता है, तो आपको टास्क अचीवमेंट में से 9 में से 9 बैंड मिलते हैं। तो यही होता है टास्क अचीवमेंट एंड कोहेरेंस एंड कोहेजन, इनके बारे में मैंने पहले ही बताया है और मैं अपने कोर्स में ही बताऊँगा। तो फिलहाल तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, टास्क टू ये आया था, आप ट्राई कर सकते हैं, इसको लिख कर देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो टास्क वन की मॉर्निंग स्लॉट में वो था टेबल। तो गाइस जैसा कि मुझे पता चला है, ये टेबल आया था जो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको ट्राई कर सकते हैं लिखने की। आप ये सोचे करिए गाइस, जब भी आप ऐसी वीडियोस देखते हैं, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसको अटैम्प्ट करते हैं और उसमें से अगर आप 6.5 और 7 ले जा सकते हैं, तो ईजिली आप रियल एग्ज़ाम में भी ले जाएंगे। तो टास्क वन जो मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट में था वो वारग्राफ था। तो आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल वारग्राफ था। हॉरिजॉन्टल वारग्राफ क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है लिखना, लेकिन गाइस ये सारा कुछ इजी है जो मैं अपने कोर्स में बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकली मिक्स आ जाए तो भी क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ था आज का जो मतलब कि 16 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था। गाइस वीडियो थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम उस जो कोर्स की बात कर रहे हैं उसको जल्दी ही लॉन्च करेंगे, ताकि जो आप सब भी अपनी जो भी मिस्टेक्स करते हैं उन सबको सॉल्व कर सकें।
तो अगर रीडिंग की बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट थी, और लिसनिंग हमेशा इजी होती है गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। लिसनिंग में अगर आपके बैंड कम आते हैं तो इसमें आपका ही फॉल्ट है, क्योंकि लिसनिंग ज़्यादातर इजी ही आती है, बहुत कम चांस होते हैं कि लिसनिंग मॉडरेट या फिर डिफ़िकल्ट आ जाए। तो यही था गाइस इस वीडियो में, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपका कोई भी फ्रेंड जो आयस कर रहा है या फिर करने की सोच रहा है, उसको प्लीज़ इस चैनल पर रेफ़र करें, ताकि वो भी सीख सके कि कौन कौन से तरीके हैं जो इंस्टीट्यूट, मैं नहीं कहता कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करो, मैं कहता हूँ करो, लेकिन कई बातें जो हम इंस्टीट्यूट पर नहीं सीख पाते वो आप यहाँ पर सीख पाएंगी। तो यही है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।